वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि सब मुझसे बोल रहे थे कि हिमाचली जो खाना होता है कुछ हिमाचली डिश की रेसिपी देना तो आज मैंने घर पे ही बनाई है हिमाचली धाम जिसको हम कांगड़ी धाम भी बोलते हैं और हिमाचल की जो बहुत फेमस डिशेज हैं तो उसमें मैंने बनाया है चने का मदरा सफ़ेद चने होते हैं काबुली चने उनको दही में भून के उनका मदरा बनाया हुआ है दूसरा खट्टा चने का काले चने का जिसको हम बोलते हैं माणी और तीसरा चावल मीठे चावल जिसको ब्रंज बोलते हैं हिमाचल में और चने की दाल जैसे बोटी बनाते हैं वहाँ पे तो वो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं चरोटियाँ चरोटियाँ बोलते हैं उनको उनमें बनते हैं मैं तो यहाँ घर पे जो नॉर्मल पतीले हैं उनमें ही बना रही हूँ जब आप वीडियो देखोगे तो एक एक स्टेप जो इसका है वो ढंग से देखना क्योंकि हिमाचली खाने का जो एक एक स्टेप है वो बहुत ये होता है कि अगर आप कुछ स्टेप एक छोड़ दोगे तो खाने में कोई ना कोई कमी आ ही जाती है तो पूरी वीडियो देखना स्किप मत करना चाहे नहीं कोशिश करिए कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो ये छोटी सी वीडियो हो क्योंकि आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप इन्जॉय करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और न्यू आए हाँ हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना हिंदी आएगी क्योंकि हिमाचल का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ट्राई तो ज़रूर करना वीडियो देख के एक एक स्टेप देखना चलो तो फिर शुरू करते हैं वीडियो तो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ और खाना बनाना शुरू करूँगी तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने का मदरा जिसके लिए मैंने काबुली चने रात पर भिगो दिए थे इसमें डाल दिया गरम मसाला स्वाद अनुसार नमक ऑयल और इसको हम चार से पांच सीटी लगवाएंगे ताकि ये ना ज़्यादा मैशी हो ना ज़्यादा कच्चे रहें कढ़ाई में मैंने डाल दिया है कड़वा तेल आप चाहें तो डालटा घी भी ले सकते हैं और आलू जो है मैंने यहाँ पर काट लिए हैं और खड़े मसाले लिए हैं बड़ी इलायची छोटी इलायची जवित्री दालचीनी पाउडर काली मिर्ची लौंग और नॉर्मल मसाले जो हमारे घर पे होते हैं यहाँ पे मैंने लिया है दही मैंने लिया था एक पौ चने तो मैंने आधा किलो दही लिया है आप चाहे तो दही डबल भी ले सकते हैं या जित उ जितने चने हैं उतना भी ले सकते हैं क्योंकि ग्रेवी जो है आपकी दही से ही बनेगी ऑयल में मैंने डाल दिए हैं आलू फ्राई होने के लिए इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करना है दही में हम डालेंगे मसाले हल्दी पाउडर देगी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला नमक और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने से ये होता है दही में कि दही का बहुत जल्दी ज़्यादा पानी नहीं आता है मसालों में और ये अच्छे से मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से पक जाते हैं तो देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमें इनको इतना ही फ्राई करना है ताकि ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट रहें और अंदर तक पक जाए तो आलू को हम अभी हम निकाल लेंगे क्योंकि ये पक चुके हैं तो अब हम डालेंगे ऑयल में खड़े मसाले जो मैंने आपको बता दिए थे पहले और साथ में इसमें हम डालेंगे जीरा अगर आपके पास शाही जीरा है तो आप शाही जीरा भी डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जो हमने अभी दही में मसाले मिला के रखे थे इसमें अब हम वो डालेंगे पर इस टाइम जो आपको गैस थोड़ी फ्लेम जो है थोड़ी कम कर देनी है उस तब आप इसको डालें और इसको चलाते रहना है इसको दही को छोड़ना नहीं है तो पहले हमारा दही जो है बिल्कुल पतली फॉर्म में आएगा कि दही पानी छोड़ेगा और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा दही फट जाएगा और एक जो है बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा तो देखिए हमारा जो दही का मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है जो उसमें खड़े मसाले थे उनको हम निकाल लेंगे क्योंकि खड़े मसाले निकालने से खाने में आसानी रहती है तो चने भी हमारे ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट है ना बॉयल्ट बस खड़े खड़े दाने होने के चने हैं और अब हम जो चने हैं उसको ग्रेवी में हम डाल अपडाल तो चने हमने ग्रेवी में डाल दिए हैं और इनको अब हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए और देखिए हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से पक चुकी है क्योंकि जो चनों पे दाने दाने आ रहे हैं ये दही अच्छे से फट चुका है और उसके दाने दाने फॉर्म जो है वो आ चुके हैं बट ध्यान रहे जो आप दही यूज़ करेंगे दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए दही बिल्कुल मीठा होना चाहिए और इसको अभी हम पंद्रह से बीस मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए और उसके बाद हमें करेंगे हिमाचल का बहुत फेमस स्टैप वो क्या करते हैं जो आग जल रही होती है उसको जो है जो बर्तन में खाना बन रहा होता है कोयला डाल देते हैं पर हमारे हम वैसे नहीं बना रहे तो मैं एक कोयला ले रही हूँ उसको अच्छे से जला लेंगे और इसका स्मोक जो है मदरे में हम देंगे तो ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे और ढक के रख देंगे और इसका स्मोक जो है चनों में जाने देंगे तो देखिए मदरा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम बनाएंगे काले चने का खट्टा यानि कि माणी तो वैसे ही चने मैंने रात भर भिगो लिए थे बॉईल कर लेंगे नमक और ऑयल डाल के और यहाँ पे लिए हैं मसाले मिर्ची सौंफ पाउडर जीरा पाउडर गुड़ अमचूर पाउडर और घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो आप चाहें तो यहाँ पे इमली भी ले सकते हैं या इमली नहीं है तो अमचूर पाउडर इसमें हम चम्मच डालेंगे चावल का आटा आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं और ऑयल में हम डाल देंगे जो मसाले जो जीरा पाउडर था और सौंफ पाउडर सौंफ साबुत और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची फ्लेम यहाँ पे कर लें कम मसाले जो हमारे जल चाहिए यहाँ पे डाल दी हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक मसाले थोड़ा एक्स्ट्रा डालें क्योंकि इसमें टमाटर प्याज कुछ नहीं डलता है सिर्फ मसालों का ही फ्लेवर आएगा और मसालों को अच्छे से भून लेंगे तो देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं जो हमने छोले बॉईल कर लिए थे इनको हम जो है अपने मसाले में डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने अमचूर पाउडर लिया था और चावल का आटा लिया था उसका एक घोल तैयार कर लेंगे और उसको जो है हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने डाला है गुड़ जितना आपको खट्टा मीठा चाहिए आपको उतना ही डालना है और हाँ मसाले में हींग ज़रूर डाल लेना मैं भूल गई थी मैंने लास्ट में डाला था तो आपको हींग भी डालना है और इसको हम पकाएंगे पंद्रह से बीस मिनट के लिए तो देखिए खट्टा हमारा तैयार हो चुका है जितना गाढ़ा आपको रखना है आप उतना रख सकते हैं तो अब हम बनाएंगे चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बीस से पच्चीस मिनट के लिए हमें इसे भिगोना है तो भिगोने से ये होता है कि हमारी दाल जो है वो थोड़ी सी गल जाती है तो उसको अच्छे से मसल मसल के धो लें और 20 मिनट के लिए भिगो के रख लें तो अब हम बनाएंगे चने की दाल के लिए मसाला मैंने यहाँ पे लिए हैं सोए सौ और जीरा दालचीनी बड़ी इलायची जवित्री और छोटी इलायची काली मिर्ची और लौंग इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे गर्म होने तक हल्के हल्के गर्म हो जाए और फिर हम इसको पीस लेंगे तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल नमक स्वादानुसार हल्दी पाउडर जो मसाला हमने रोस्ट करा था उसको अच्छे से पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर गरम मसाला और कसूरी मेथी और एक चम्मच देगी मिर्च और ये है गरी जिसको पीसेस में काट लिया है और तेज पत्ता तोड़ के इसमें डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छे से एक घोल बना लेंगे और दाल में डाल देंगे तो देखिए दाल हमारी जो है आधी पक चुकी है इसको ढक के नहीं पकाना है खुला ही पकाना है और अब हम इसमें लगाएंगे अलग से तड़का तब तक दाल ना पक जाए हमारी इसको खुला ही पकाना होता है इसमें सीटी ना लगवाएं और अलग से ऑयल में देगी मिर्च डाल के और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के सिर्फ आपको अलग से एक तड़का देना है तो अब हम बना रहे हैं मीठे चावल जिसके लिए मैंने ली है बासमती राइस उनको अच्छे से वॉश कर लिया है फूड कलर डाला है मैंने यहाँ रेड कलर का क्योंकि हिमाचल में जो ब्रंज बनती है वो लाल रंग की होती है कि एक चावल जो होता है खिला खिला हुआ दिख रहा होता है लाल रंग का और आप चाहे यहाँ पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं विनेगर भी, भी ताकि जो चावल है वो खिला खिला आए इसको हमें पकाना है सेवेंटी परसेंट पूरा नहीं पकाना है तो मैंने यहाँ पे घी में डाली है काली मिर्ची और दो इलायची और मेवे में डाले हैं बादाम और गरी और चार मगज और दाग और इनको अच्छे से हमें भून लेना है ताकि हमारे मसाले जो हैं हल्के हल्के रोस्ट हो जाएँ बस चावल का ये ध्यान रखें पहले आपको सेवेंटी परसेंट पकाना है बाद में आपको इन्हें बीस से पंद्रह मिनट के लिए दम देके पकाना है तो देखिए चावल हाँ, हम हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम जितना मीठा खाते हैं ऊपर से इसमें डालनी है चीनी तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है आप फॉइल पेपर ले लें ले, या आटा ले लें और उसका यहाँ पे इसमें दम लगाएंगे और ऊपर से कुछ बर्तन रख दें ताकि बिल्कुल भी इसकी स्टीम ना निकले सो तो बीस मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे जो है पकाएंगे तो देखिए हमारे मीठे चावल भी हो चुके हैं तैयार और देखिए कितने खिले खिले बने हुए हैं पर जब आप इसको रखेंगे स्टीम के लिए तो तवे के ऊपर रखें तो हमारा सारा खाना जो है वो हो चुका है तैयार देखिए चने का मदरा भी हो चुका है तैयार खट्टा भी हो चुका है तैयार और देखिए कितना डिलीशियस सा लग रहा है ये और इस स्टेज पे जब हम खाना खाने लगते हैं उसी स्टेज पे जो आपने आलू फ्राई करे होते हैं उसी स्टेज पे आपको इनको डालना होता है तो दाल भी हो चुकी है तैयार और मीठे चावल भी और अभी हम खाएंगे गरम गरम क्योंकि ये गरम गरम ही लगता है अच्छा खाना अच्छा। कैसा लग रहा है अच्छा। लग रहा है चने कैसे हैं बताओ मम्मी कैसा बनी है धाम बहुत अच्छा आ रही नहीं हिमाचल की याद आ रही है खाने से अच्छी आ रही चलो खाओ खाओ अन्वी आप भी खाओ और ले लेना मीठे चावल भी देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट भी लग चुकी है मदरा चने का खट्टा और चने की दाल और अब खाते तो अभी अतुल के लिए भी लेके आ गई हूँ मैं खाना क्योंकि ये अभी नहा के फ्री हुए बताओ कैसा बना है सबसे अच्छा क्या बना है खट्टा अच्छा अनवी आप क्यों रो रहे हो आप कौन मिठू चावल खाने हैं अभी देते हैं आपको हो अच्छा गया हमारा और मुझसे तो खाया भी नहीं गया क्योंकि इतनी देर से मैं खड़ी थी इतनी देर से बना रही थी खाना तो वो स्मेल से ही मेरा बिल्कुल मन भर चुका था तो इतना खाया भी नहीं गया बस थोड़ा सा खाया बट टेस्टी बना था वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और आप भी बनाना काफी टेस्टी बनता है हिमाचली खाना थैंक यू